नहीं, ये याक है, याक है, डेड याक है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फिलहाल हम चांगला पास से नीचे उतर के कारू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कारू यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 20-25 किलोमीटर होना चाहिए और वहाँ से हम लेह नहीं जा रहे। अगर कारू से लेह जाना हुआ तो अनदर 35-40 किलोमीटर्स लेह है। बट अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे उड़ता तीर खोजने। और पता चला है वरीला में उड़ता तीर थोक के भाव में मिल रहा है। तो क्या है कि वरीला पास है 17,000 से ऊपर है, मतलब 18,000 से कम है। आई थिंक खारदुंगला से 200 फीट नीचे है और वहाँ पे एक्चुअली क्योंकि मूवमेंट नहीं है तो वहाँ पे है ब्लैक आइस। तो अपन अब ट्राई करेंगे कि 18,000 रुपये में अपना टायर्स चेंज कराया था हमने जम्मू कश्मीर में। आपने देखा होगा वो एपिसोड, नहीं देखा तो जाके देख लो, प्लेलिस्ट में आपको लद्दाख के सारे एपिसोड दिख जाएंगे। तो क्या टायर चेंज कराने से हमें फ़ायदा होता है, क्या हम कर पाते हैं, क्या हम ले पाते हैं उड़ता तीर हाथ में? मतलब खारदुंगला जो हमने किया था, तो खारदुंगला में एक्चुअली पता नहीं चला था, इतना जल्दी असेंट गेन किया था ना कि जल्दी से पहुंच गए थे खारदुंगला। अब मे भी एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। अभी चांगला से ना तो उतर ही रहे भाई, उतर ही रहे, ऐसे ऐसे ऑफ रोड मिलते जा रहे हैं। एक और दिख रहा है हमें लास्ट एपिसोड में, आपने वैसे पुराना वाला देख लिया होगा, ये एक और दिख रहा है इधर नीचे की तरफ उतर रहा है कहीं। अब वो समझ में नहीं आ रहा ना कि आगे जाके वो, क्योंकि वो वाला जो हमने किया ना अभी, वो ऊपर से दिख रहा था कि आगे जाके मेन हाईवे पे ही मिल रहा है। ये वाला समझ में नहीं आया, हमने ऊपर से कहीं से देखा था। मज़ेदार है यार, मज़ेदार है। यहाँ से देखो स्नो पीक माउंटेंस ना बहुत कम दिख रहे हैं। जब हम चांगला में थे तो भाई पूरे चारों तरफ ही माउंटेंस ऐसे ना स्नो कवर्ड थे। अच्छा लग रहा है, यहाँ पे रोड भी चौड़े हो गए हैं। थर्ड गियर पे डाल के बस हल्का सा छोड़ दिया है, गाड़ी अपनी स्पीड खुद ब खुद मेंटेन कर रही है, 60 की स्पीड पर चल रहे हैं। कैमरा इज़ टू हॉट। एक्चुअली ये हॉट इसलिए हो रहा है क्योंकि खिड़की अगर पूरी खुली नहीं रहेगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। चार्जिंग पे भी लगा तो बैटरी भयंकर गर्म होती है, रोटी सेक सकते हैं उस पर, इतनी गर्म हो जाती है। तो जी ये सामने जो रास्ता आपको दिख रहा है ये चांगला पास वाला रास्ता है और हमने फिर वरीला पास डाला। तो अहम से होते हुए शक्ति एक करके एक जगह है, वहाँ से एक रास्ता कटता है वरीला पास के लिए, तो एग्जैक्टली हम वहीं पे जा रहे हैं। रोड्स अचानक से बहुत चौड़े थे, अब बहुत पतले हो गए, बट ठीक है अभी वरीला पास चलते हैं। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 28 किलोमीटर्स है, एक घंटे लगने चाहिए क्योंकि यार हिली एरिया है, तो 28 किलोमीटर के लिए एक घंटे तो मतलब अच्छा ही है। चलो थोड़ा ऐसा लग रहा है ना कि गाँव के बीच से वगैरह जा रहे हैं, जो गांव के लोग ही दिख रहे हैं, लोकली लोग दिख रहे हैं। डिफरेंट है, मेन हाईवे से एकदम अलग है। ऊपर जाना है, नीचे जाना है? पैंगोंग लेक ऊपर, नीचे वरीला। नीचे वरीला ना? हाँ। अच्छा पैंगोंग लेक भी जा सकते हैं यहाँ से भाई? हाँ। ओ गुरु बहुत सही। अच्छा वरीला से होते हुए पैंगोंग लेक ना, चांगला नहीं, टांगला नहीं टच करेंगे, मतलब आई थिंक उसी के आसपास का कोई पहाड़ होगा। सारे पहाड़ तो मिला जुला के एक ही फैमिली के हैं, भाई बहन हैं। मम्मी से नहीं, पापा से ले लो, पैसे तो मतलब है। जो बचपन में क्या होता था, पॉकेट मनी, मम्मी नहीं दे रही है, पापा से मांग लो, पापा नहीं दे रहे, बहन से मांग लो, तो वही है वरीला नहीं चांगला, चांगला नहीं खारदुंगला। अभी जिस रोड से आए थे और इस रोड में कितना डिफरेंस है, मतलब ये रोड अजीब सा ही पतला सा है, गांव के बीच से जा रहा है, ग्रीनरी है। तो लद्दाख में इतनी वेराइटी है ना भाई, इतना बड़ा स्प्रेड है ना, प्लस एक जगह जाने के लिए ना आपको मल्टीपल रूट्स का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे बूडुमो में मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स के ऑप्शन मिलते हैं और आप प्राइसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हो। तो ये पूरा ट्रिप एक्चुअली ना बूडुमो ने स्पॉन्सर किया है और वहाँ पे 10 डेज ऑफ इशोर रिटर्न भी है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है स्पेयर पार्ट में तो आप उसको वापस कर सकते हो। तो अपन बात कर रहे थे रूट्स की, रूट्स में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप ना अलग अलग रूट को एक्सप्लोर कर सकते हो, अलग अलग नज़ारों को देख सकते हो, नेचर, इट्स ऑल अबाउट नेचर। ये रास्ता इतना अनएक्सप्लोर्ड है ना कि आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे गांव ख़त्म होने के बाद एक गाड़ी नहीं है, एक गाड़ी नहीं, बस कुछ मवेशी ऐसे जानवर दिख रहे हैं। और मस्त वाला हाईवे, मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे कहीं US वगैरह में डेथ वैली में चला रहा हूँ, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स और उनके बीच से हम ग्रेजुअली हाइट अटेन कर रहे हैं। गाड़ी सेकंड गियर पे भी डाल के ना कभी कभी एक्चुअली पावर नहीं ले रही है सेकंड, तो मनी को बोला चेंज कर दो गियर, अभी रुक जाना सेकंड में ही रहने देना, बताऊँगा क्योंकि
कभी कभी गाड़ी ना पावर नहीं ले रही है। अब देखो सामने जो माउंटेन पीक्स है ना, हमें जाना है अप्रॉक्सीमेटली 21 किलोमीटर के पास, तो सामने जो माउंटेन पीक्स है शायद वहाँ पे जाना है। अब कहाँ पे जाना है नहीं पता भैया, जैसे आप पहली बार आ रहे हो, मतलब पहली बार वरीला देख रहे होगे, वैसे हम पहली बार लद्दाख आ रहे हैं, बस जगह खोज रहे हैं कि कहाँ हमें क्या मिल जाए। सो वरीला इज 7 किलोमीटर्स और अभी फ़िलहाल अपनी गाड़ी 2 नंबर पे है और 7 किलोमीटर तक ऐसी खड़ी चढ़ाई है यार, मतलब खड़ी चढ़ाई मतलब ऐसे दिख नहीं रही है बट वो गाड़ी में ना फील हो रही है। प्रेजेंटली 2500 RPM पे 40 का स्पीड मेंटेन रखा है, तीसरा गियर तो लगा ही नहीं पा रहे, मतलब इतनी बुरी हालत है। एक्चुअली ऑक्सीजन कम है यार, हम अगर आपने देखा होगा चांगला में हम ऑलमोस्ट 17,600 फीट के आसपास थे, फिर हम 12,000-13,000 फीट तक नीचे उतरे और फिर हम 17,600-17,700 फीट पर ऊपर चढ़ रहे हैं, तो मतलब सडन डिसेंट तो है ही, उसके बाद इमिडिएटली सडन असेंट है। मैं कह रहा हूँ ये नज़ारे ना यार सीरियसली बहुत ही अलग है, कहाँ देखो नीचे से कैसे आए हम, जहाँ ग्रीनरी आपको दिख रही है वो शक्ति करके एक जगह है और वहाँ से ऊपर चढ़ते 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 ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ ही अफगानिस्तान में चले आए हैं। Here is वरीला पास, गजब ही सुंदर यार, गजब ही सुंदर, ब्यूटिफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, स्पेशली और टॉप देखो यार खतरनाक ही लग रहा है। वहाँ पे वरीला पास का बोर्ड है विच इज 17,200 फीट और यहाँ पे ज़बरदस्त आई से यार, सांसें फूल रही है, हाँ फूल रही है ना, थकान फील हो रहा है ना, हाँ थकान ना, मैं पैर ड्राउजी फील हो रहा है, मतलब ऐसा ना कि बहुत थक गए हैं। बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी वरीला पास की, नो वंडर वाई यहाँ पे लोग नहीं हैं, कुछ आर्मी विकी व्हीकल्स हैं और उनके कुछ आर्मी पर्सनल्स अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत है यार वो सामने देखो कितना सुंदर लग रहा है, द क्लाउड का फॉर्मेशन ना, ब्लू स्काई और ये क्लाउड का फॉर्मेशन मतलब जहर है भाई, और बिना शेड्स के यहाँ पे कोई भी नहीं है क्योंकि यार इतनी तेज धूप चमकती है ना कि आप शेड्स के बिना नहीं रह सकते। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर हैविंग छाछ यहाँ पे वरीला पास पे आके छाछ पीने का भी अलग ही फन है बॉस, तो अपन यहाँ छाछ पियेंगे, कुछ फोटोग्राफ लेंगे और फिर यहाँ से जल्दी नीचे उतरेंगे। इस मौसम में चाय मिल जाए और क्या चाहिए भाई लाइफ में, बहुत ही अमेजिंग यार, टेम्परेचर खतरनाक टाइप से ठंडा है, नहीं ये याक है, याक है, डेड याक है। सो फाइनली बूट काम कर रही है यहाँ पे एंड वी आर हेयर एट वरीला पास, जबरदस्त गुरु, कहाँ लिखा है, हाँ यहाँ लिखा है ना, इतना बड़ा बड़ा दिख ही नहीं रहा है। सो 17,216 feet वरीला पास BRO, वाव व्हाट एन अमेजिंग फीलिंग दिस इज, व्हाट एन अमेजिंग फीलिंग। टूरिस्ट को ये जगह पता नहीं है, अपने को भी नहीं पता थी, किसी से पूछा सोचा यहाँ पे थोड़ा मज़ा कर लें और फिर नीचे निकलते हैं। सांसें यहाँ पे एक्चुअली खारदुमला से ज़्यादा फूल रही हैं। चलो जी अब वरीला पास से नीचे उतरते हैं और बढ़ते हैं लेक की तरफ। टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 3:30 और हमें ले पहुँचते पहुँचते तक 6 बज जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा डिजीनेस लग रहा था, मतलब थोड़ा सा चक्कर टाइप का तुमको आ रहा था, बनी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो चाय छाछ ये मार के अपन धीरे धीरे फर्स्ट गियर पे गाड़ी को डाल दिया है बिकॉज नीचे आइस है ना,
कहीं कहीं पे बहुत स्लिपरी है, तो कंफर्टेबली धीरे धीरे नीचे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पानी और पीते हैं और फिर कहते हैं वरीला पास को बाय बाय और प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट ईयर फिर से मिलेंगे। अगर ये रोड ऐसी रहे और अगर यहाँ पे ब्लैक आइस हो जाती है, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। जो आर्मी पर्सनल्स हमें वहाँ पे मिले, अपनी फैमिली के साथ थे इसीलिए मैंने उनके साथ वीडियो नहीं शूट किया, दे वर हैविंग ए गाला टाइम। तो उन्होंने भी बोला कि ये टूरिस्ट को पता ही नहीं है ये जगह। अब जब यूट्यूब या फिर ऐसे जगह पर ये चीज़ आती है तो फिर आप GPS में देख के आते हो। तो आई होप कि आप डेफिनेटली आओ यहाँ पे, यहाँ से नूबरा जा सकते हो। अगर खारदुंगला से नहीं जाना है तो वरीला होके आप नूबरा निकल सकते हो। तो थोड़ी देर पहले हम एक्चुअली वहां पे थे और अब नीचे उतरे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है, मेरे को एक्चुअली चक्कर आने लगा था, इन लोगों को बताया नहीं, बट मेरे को एक्चुअली वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगा था। तो यहाँ पे रुके, गाड़ी लगाई है कुछ फोटोग्राफ खींचने के लिए। सामने वो गांव है जहाँ से हम ऊपर चढ़ते हुए आए थे और 25 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा हाइट अटेन कर लेते हैं। तो आप अगर प्लान कर रहे हो यहाँ पे आने का इस वीडियो को देख के, तो एक दो दिन रुक के इधर उधर घूम लो, थोड़ा लोअर एल्टीट्यूड पे 13-14 हज़ार फीट पे रहो, उसके बाद 17 हज़ार फीट, उसके बाद 18 हज़ार फीट, ये सारी चीज़ें करो, इससे तबीयत नहीं ख़राब होगी। क्योंकि भाई ऐसा है ना, अगर आपकी तबीयत खराब होगी ना तो सारी ट्रिप की जैक लग जाती है बस। टाइम हो रहा है 5 और हम क्रॉस कर चुके हैं कारू। अब यहां से जो अपना डिस्टेंस है वो है सिर्फ 25-30 किलोमीटर्स। तो मतलब 6 बजे तक हम आराम से अपने होटल पे पहुंच जाएंगे। एंड बिग थैंक्स टू वेकेशन क्लब यार, जिन्होंने वापस से लेह में हमारा सारा अरेंजमेंट किया, क्योंकि हम ना कल भी लेह में रुकने वाले, बिकॉज वी वांटेड टू एक्सप्लोर लिंसेट जो हम आगे नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने सारा, अभी उनसे बात हुई तो नुपुर मैम ने कहा कि ठीक है कल का बुकिंग का मैं आपका देखती हूँ और वो कन्फर्म कर देती हूँ, सो दैट कि हमारे आगे के जितने भी बुकिंग्स हैं ना, क्योंकि अगर एक दिन आपका प्लान, क्योंकि हमारे प्लान्स कभी ना ऐसे मतलब कोई रैंडम, हमेशा रैंडम ही होते हैं यार, कभी पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली करना क्या है ज़िंदगी में। बस निकले हैं, जाने का दिन होता है, आने का दिन पता होता है, उसके बीच में ना अपन बस गाड़ी में डीजल लेते हैं, खाना पीना सब हमारे पास रहता है, बस निकल जाते हैं एक्सप्लोर करने। तो जी लास्ट टाइम आए थे तो बारिश हो रही थी और आज देखो मौसम क्या सुहावना है यार। तो फाइनली अपने होटल में आ गए हैं, गाड़ी पार्क कर दी है, आज ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं है। अगर आपने पहले वाला व्लॉग देखा होगा जब हम लेह पहुँचे थे तो बहुत ज़्यादा, क्या हुआ, कुछ टच तो नहीं कर रहा, ओके चलो चलते हैं, थक गए। अच्छा लॉक भी करना है भाई, इसको एक ज़रा बटन दबाना है, लॉक हो गया। चलो अब यहाँ जाके आज एक्चुअली ना जिस दिन भी हम हाई अल्टीट्यूड पे जा रहे हैं ना, थोड़ा सा ज़्यादा थक जा रहे हैं ना, अब नहीं, उस समय जिस समय थे उस समय डिजीनेस लग रहा था ना। आई जस्ट लव दिस प्लेस, ब्यूटिफुल प्लेस, वेरी ग्रीन। एक चीज भूल गए आप, सबसे पहले करेंगे इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपडेट, तो 3 दिन नेटवर्क में नहीं थे। हाँ, जनता पूछ रही है। हाँ, जवाब चाह रही है आखिर क्या हो रहा है।